इन्हीं तकलीफों का निवारण करने के लिए मरकज में कुछ कदम टेम्परेरी कदम है, थोड़ी देर के लिए एक बार जो सिलसिला और एक अच्छा निज़ाम बन जाए, फिर उस निज़ाम के अंदर में तब्दीलियाँ आएंगी तो ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा देर तक के लिए। क्या लगता है बड़ा अच्छा रहना चाहे हमें आप लोग बिल्कुल मुतमिन रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा, आपकी हिफाजत आपकी सलामती यही हम लोगों का हक है। इस तरह से यह खुशहाली आए, इस तरह से आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें, दुनिया में अपना नाम कमा सकें, अपने लिए अपनी तजारत अपने मजहब और उसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सकें और एक अच्छे इंसान की तरह क्या रोज़ रोज़ को गंद करके रखा हुआ देखकर गंदगी के इंतजार करते हैं, इसको हटा के एक नया माहौल। आज जो हमारा मन था कि सर आकर के खुद आप लोगों को मिलें और आपके चेहरों को देखें कि कोई मायूसी तो नहीं है, आप लोग मजबूत हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी मजबूत है और हर तरह की हालात का मुकाबला कर सकती कि नहीं कर सकती। मैं तो ये हमेशा कहता रहता हूँ कि हर हालात का मुकाबला कर सकती है, मगर आप बताओ कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा जो है इसने अपना परचम ऊंचा रखा है, हिंदुस्तान का परचम ऊंचा रखा है, हमारी काबिलियत है, हमने 90 से लेकर जब से मिलिटेंसी यहाँ शुरू हुई कभी हमने अपने हाथ से परचम नीचे नहीं होने दिया। देश का जो भविष्य है इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे देश कितनी सक्षम है, कितनी मजबूत है, उनका मोराल कितना ऊपर है, उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है और वो इस एक अपने मकसद को हासिल करने के लिए कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते हैं। हमारा जो इतिहास है वही बताता है कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ आज़ादी से पहले भी लेकिन आज़ादी के बाद हर उसने जहाँ जहाँ भी जिस काम के लिए जिस उठाया उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक नाम कमाया।